बच्चों, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है आपका? बच्चों, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज चौहान मैथ्स, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर मिलता है आपको सारा स्टडी मटेरियल जो IIT JEE मेंस और एडवांस को क्रैक करने के लिए चाहिए होता है, वो सारा मटेरियल बच्चों आपको फ्री में मिलता है। तो मनोज चौहान मैथ्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारा जो मटेरियल है वो आपको tinyurl.com/bestapproach पर डाल रखा है। जब आप उसको ओपन करेंगे, मैंने वो लिंक पिन कर रखा है, जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा खुल जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे हर टॉपिक जो IIT का है, ठीक है, उसकी शीट्स वगैरह जो है वो जैसे यहाँ दे रखा है। तो डाउनलोड, ये मैं गया यहाँ पर और इंटरनेट चालू है यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पर, ये मैंने डाउनलोड के लिए लगा दिया। और ये बच्चों, ये मटेरियल जो है लॉक का, ये डाउनलोड हो गया, ये लॉक की शीट डाउनलोड हो गई है, लॉक की शीट आपके पास आ गई। और भी जो भी मटेरियल है, जितना भी मटेरियल मैंने बनाया है, क्रिएट किया है, वो सब आपको मिलता है। तो इसमें आप देखो सॉल्व एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल, और उसके बाद आपका शीट वगैरह आ जाता है। वो सब आपको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो शीट में बच्चों देखो क्या क्या है, देखो ये स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। स्टडी मटेरियल में जैसे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव है, तो आपको हर चैप्टर के अंदर करीब 5-6 चीज़ें मिलती हैं। जैसे शीट है, शीट का मतलब क्या है, शीट का मतलब देखो, ये आपने खोला और ये एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, ये स्टार्ट हो गया चैप्टर। तो स्टार्ट होते ही इसके अंदर कुछ सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है, और बच्चों सॉल्व एग्जांपल से पहले की कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप एग्जाम में जाने से पहले आपको अगर रिकॉल करने हैं फॉर्मूले बेस्ड ऑन दैट चैप्टर, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बच्चों। फिर आपके सॉल्व एग्जांपल आ गए, जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादा सॉल्व एग्जांपल नहीं होंगे इसमें क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, 12-15, हाँ देखो 15-16 सॉल्व एग्जांपल है बच्चों। यहाँ पर एक्सरसाइज वन फिर स्टार्ट हो गया, एक्सरसाइज वन के अंदर अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं। ये आज से 15-20 साल पहले से जो IIT के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे 2005 से पहले के, ये कुछ क्वेश्चंस वहाँ से हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जैसे ये रेट मेजरमेंट की एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई आगे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो रेट मेजरमेंट अप्रोक्सीमेशन वाला, ये भी IIT के सिलेबस में है बच्चों। थर्ड एक्सरसाइज के अंदर आपको छोटा चैप्टर है तो PYQ मिलेंगे आपको, यानी कि IIT मेंस में आए हुए 2000 से देख सकते हो आप, रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस ऐसे कुछ करके होता था। तो 2022 तक के क्वेश्चंस आपको मेंस और एडवांस के यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर JEE मेंस 2020 लिखा हुआ है Shift 2, ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये तो हो गया शीट, ठीक है। अच्छा, शीट के बाद आप देखो शीट सॉल्यूशन, तो जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपको शीट में दे रखे होते हैं IIT मेंस के लास्ट 15-20-25 ईयर्स तक के क्वेश्चन, उन सबके सॉल्यूशन यहाँ पर हैं। तो बिल्कुल ये लिटरली गोल्ड माइन है, ठीक है ना, और ये सब बच्चों आपको फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और मैंने ये सारी चीज़ें पिन कर दी हैं, tinyurl पिन कर दिया है, तो आप उस पर जाएंगे ना, सारी चीज़ें आपके सामने खुल जाएंगी, हर चैप्टर का हर चीज़। ये शीट का PPT आपके काम का नहीं है, तो मेरे लिए है। अनअकैडमी के नोट्स बच्चों, अनअकैडमी पर जो मैं नोट्स देता हूँ, ठीक है, वो ये है। तो जो मेरी क्लास इलस्ट्रेशन होती है, ज़्यादातर क्लास इलस्ट्रेशन यहीं से होती है, 80-90% क्लास इलस्ट्रेशन यहीं से हैं। कुछ कुछ मैंने और चेंजेस किए हैं जो मैं टाइप नहीं करा पाया हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेटेस्ट IIT मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आया, कुछ नई तरह से पूछा उन्होंने, तो उसको मैं क्लास में लेता हूं, तो वो यहां पर नहीं है। पर हाँ, इसमें 90% जो क्लास के क्वेश्चन हैं वो आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये अनअकैडमी के नोट्स हो गए, और बच्चों वाइब्रेंट के नोट्स, ये बच्चों नोट्स हैं जो आज से 5-6 साल पहले मैंने वाइब्रेंट में पढ़ाया था, तो वहाँ पर एक बच्ची थी, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो उसने ये कॉपी किया था, तो उसके नोट्स की मैंने ये सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख रखी है। तो ये बच्चों आपको मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन, ये कंटेंट करीब 70-80% ओवरलैप करता है मेरे आज के कंटेंट से, तो दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। प्लस आपको इसमें वाला सेंस आता है बच्चे ने कैसे लिखा होगा, और मेरा जो वीडियो देखोगे आप, तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा कि ये लिखा है तो क्यों लिखा है, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स का अपना अलग ही मजा होता है पढ़ने का बच्चों। ये ऑल इन वन है, ऑल इन वन बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। ऑल इन वन में आपका शीट है, शीट के सॉल्यूशन है, इसमें रिवीजन प्लानर भी है, ठीक है, जिसमें आप अगर आपका IIT से रिलेटेड कोई भी चैप्टर का मॉक टेस्ट अगर आने वाला है, तो मॉक टेस्ट के लिए आप ऐसा तो है नहीं कि पूरा चैप्टर देखोगे, कुछ सेलेक्टेड चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखोगे, तो उसके लिए हमने ब्रह्मास्त्र प्लान किया है। ब्रह्मास्त्र बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, 3 चैप्टर हैं AOD के अंदर। तो आजा भाई, ये सॉल्यूशन खत्म हो गए और ये स्टार्ट हो गया ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र बच्चों ये है कि 10-15 सेलेक्टेड क्वेश्चंस एक चैप्टर के, जो आपको कर लेना या देख लेना जरूरी है बिफोर यू आर अटेम्प्टिंग एन एग्जाम, ठीक है, ऑन दैट टॉपिक।
तो ये आपने रिवाइज करने के हिसाब से पहले की कॉन्सेप्ट या फॉर्मूलेज एक बार क्विकली गो थ्रू कर लिए, और कुछ सॉल्व एग्जांपल जो आईआईटी मेंस और एडवांस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उनको आपने देख लिया, तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। देखिए रिवीजन शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोबारा वही नोट्स पूरे लेकर के बैठ गए, ठीक है। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करो, ठीक है ना, वो काफ़ी होता है क्योंकि आपके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। बच्चों अब एक और चैप्टर का देख लेते हैं, तो ये जैसे ट्रिगो फेस टू का है ऑल इन वन, बाकी तो सब आपको क्लियर हो ही गया। तो यहाँ पर बच्चों बहुत ऑर्गेनाइज कंटेंट आपको मिलता है, और आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो टॉप रैंकर्स हैं, जो फर्स्ट रैंक जिनकी आई थी आईआईटी मेंस के अंदर, उनके इंटरव्यू वगैरह में ले रहा हूँ। बच्चों ट्रिगो इक्वेशन देखा आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पहला चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की कॉन्सेप्ट, जो पेज नंबर 1-2 पर दे रखा है। फिर आप देखो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट एस एल ओ ने भी टाइप करा के इसी में दे रखा है, एक्सरसाइज 1-3 दे रखा है, क्वेश्चन बैंक दे रखा है, ठीक है, और डीपी भी दे रखी है डेली प्रैक्टिस पेपर, जो चैप्टर के खत्म होने के 10-15 दिन बाद आप स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आप काफ़ी टाइम हो गया 10-15 दिन हो गए तो आप उसकी डीपी कर लो तो आपको रिवाइज हो जाएगा। ज़रूरी नहीं आप डीपी 10-15 दिन में ख़त्म करो, आप महीना 1.5 महीने में ख़त्म कर सकते हो, बस द आइडिया इज रिकॉलिंग जो शायद आप भूल रहे हो धीरे धीरे उसको रिकॉल करना, नए क्वेश्चंस बेसिकली। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का देखो पार्ट टेस्ट भी यहाँ पर दे रखे हैं, पार्ट टेस्ट मतलब आपको लगे कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक फेज टू जो है मेरा आने वाला है टेस्ट में, तो मैं उस पर एक टेस्ट दे लूँ, तो उसके लिए बच्चों सभी चीज़ें सॉल्व हैं, आप देख सकते हो सबकी सभी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो टाइप करा के यहाँ पर दे रखा है, विच इज़ वेरी यूजफुल। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और ब्रह्मास जो फाइनल रिवीजन है मैंने आपको बता ही दिया कि चैप्टर के एंड में, चैप्टर के 10 दिन होने के बाद आप खुद भी अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ऐसा नहीं है आप, मैंने जो 10-15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो है, क्योंकि किसी का कंटेंट जो है वास्ट भी होता है, किसी के शॉर्ट नोट्स बड़े होते हैं, किसी के शॉर्ट नोट्स कम होते हैं, तो मैंने 10-15 क्वेश्चन रखे हैं और की कॉन्सेप्ट रखे हैं। आपको अगर कुछ 1-2 क्वेश्चन और ऐड करने नोट्स है तो आप ऐड कर सकते हो, आपको कम करने हैं तो आप कम भी कर सकते हो, क्योंकि ट्रिगो फेज टू आप सोचो कि 12th क्लास में जब आप पहुंच जाते हो तो ट्रिगो फेज टू इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, उसके आप 4-5 क्वेश्चंस भी कर लो तो रिवीजन के लिए काफ़ी है। तो आपका जो ब्रह्मास से आपका जो रिवीजन प्लानर है टाइम के साथ कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, तो ज्वाइन कर लो और मिलते हैं अपन, बाय बाय।